काशी में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल। मुस्लिम परिवार बनाता है बाबा भोलेनाथ की पगड़ी। इसी पगड़ी को पहनकर भोलेनाथ जाते हैं ससुराल। कौन है वो मुस्लिम परिवार जो है महादेव का परम भक्त? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। धर्म, आस्था और परंपराओं के शहर बनारस में महाशिवरात्रि के दिन जहां भगवान भोलेनाथ के विवाह की रस्म निभाई जाती है, तो वहीं रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ संग माता पार्वती के गौना की रस्म भी निभाई जाती है। बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में इस दिन से ही होली की शुरुआत मानी जाती है। और सबसे खास बात तो ये है कि ससुराल जा रहे बाबा भोलेनाथ के सिर पर जो पगड़ी होती है, इसे हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महादेव की काशी के बारे में यूं ही नहीं कहा जाता है कि 7 बार 9 त्योहार, हर हफ्ते में दिन भले ही 7 हो, मगर काशी के वासी त्योहार 9 मनाते ही, तो भला होली का त्योहार एक दिन में निपट जाए, ये भला कैसे संभव हो सकता है? दुनिया में भले रंगों वाली एक होली मनाई जाती हो, मगर महादेव की काशी में रंगों की होली के साथ ही मशान की होली भी मनाई जाती है और इसकी शुरुआत उस दिन से ही हो जाती है। बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के गौना की रस्म निभाई जाती है। इस बार ये रस्म 2 मार्च को रंग भरी एकादशी के दिन निभाई जाएगी। और सबसे खास बात ये है कि बाबा विश्वनाथ जब माता पार्वती का गौना लेने ससुराल जाएंगे, तो उनके सिर पर जो पगड़ी होगी, वो पगड़ी की भी अपनी एक खासियत है। गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर काशी में इस पगड़ी को अकबरी पगड़ी कहा जाता है और इसे बनाने की जिम्मेदारी करीब 250 साल से एक ही परिवार निभा रहा है, जिसके मुखिया है ग्यास अहमद। बाबा काशी विश्वनाथ के लिए पगड़ी तैयार करने वाले ग्यास अहमद बताते हैं कि उनके परदादा ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। उसके बाद करीब 250 सालों से उनका परिवार बाबा विश्वनाथ के लिए पगड़ी तैयार करता आ रहा है। इस पगड़ी को बनाने में ग्यास अहमद को करीब 7 से 8 दिन का वक्त लगता है। ये बाबा विश्वनाथ को रंग भरी एकादशी पर जो गौना लेने जाते हैं, उस टाइम ये पगड़ी वो लगा करके जाते हैं और ये हमारे यहाँ 250 साल से काम हो रहा है हमारे परदादा से, और ये उनकी बहुत कृपा है कि हमको सेवा करने का अवसर मिलता है। किस तरीके से ये पगड़ी बनाते हैं, किन किन सामानों का प्रयोग करते हैं, क्या नाम है ये अकबरी पगड़ी है और इसमें सिल्क जरी कपड़ा वगैरह का प्रयोग होता है। कितने दिन लगते हैं इस पगड़ी को तैयार करने? ये 1 हफ्ता लग जाता है, 7-8 दिन। क्या इसका कोई शुल्क दिया जाता है या फिर आप लोग अपने से जो ये बस हमको बाबा का आशीर्वाद का सहारा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब चल रहा है। 5 पीस से हमारे परिवार जो है उनकी सेवा करते चले आ रहे हैं। आज समाज में एक अलग तरीके का माहौल है दोनों कौमों को लेकर के, ऐसे में आप गंगा यमुना तहजीब का भी एक अलग संदेश दे रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जो लोग कहते हैं वो सिर्फ जुबानी है, एक ही माँ बाप के सब बेटे हैं और वो हमारे भाई हैं। हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है, हम बस मानव की पूजा करते हैं, किसी मजहब की नहीं, सिर्फ मानव की पूजा। बाबा विश्वनाथ जब माता पार्वती का गौना लेकर अपनी ससुराल जाएंगे, तो उनके सिर पर ग्यास अहमद के हाथों से बनी सिल्क और जरी की ये पगड़ी होगी, जिसे अकबरी पगड़ी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्यास अहमद ये पगड़ी बनाने के लिए कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। ये बाबा काशी विश्वनाथ के लिए उनकी आस्था और श्रद्धा ही है कि वो ये पगड़ी बिना कोई पैसा लिए सेवा भाव के लिए बनाते हैं। ग्यास अहमद कहते हैं कि उन्हें बाबा भोलेनाथ के लिए पगड़ी बनाकर एक सुकून मिलता है। बहरहाल आपको बता दें, बीते 350 सालों से रंग भरी एकादशी के दिन काशी में बाबा विश्वनाथ और माता गौरा के गवना की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान काशी के लोग सड़कों पर उमड़ जाते हैं और बाबा काशी विश्वनाथ और माता गौरा के साथ जमकर होली खेलते हैं। इसी दिन से काशी में होली की शुरुआत भी हो जाती है। बहरहाल काशी में सैकड़ों साल से चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब की इस अनोखी मिसाल पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
साथ ही रंग भरी एकादशी के दिन काशी का नजारा कैसा होता है, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।